अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपका चेहरा भी तरोताज़ा और खिला खिला दिखाई देगा। सेहत और खूबसूरती का चोली दामन का साथ होता है। आजकल इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ हो गया है कि उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, चेहरा बेरौनक होता जा रहा है, इंसान की तवानाई ख़त्म होती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में कोई डॉक्टरी या हकीमी नुस्खा ज़्यादा कामयाब नहीं होता। ये हम सब जानते हैं कि अल्लाह पाक के कलाम में बहुत असर है, दिल को करार और रूह को सुकून महसूस होता है। इसीलिए आज मैं आपको सेहत और खूबसूरती हासिल करने का बेहतरीन रूहानी अमल बताऊंगी। ये पढ़कर आप अपने ऊपर दम कर लें, आप हमेशा पुरनूर रहेंगे। इससे पहले कि मैं आपको आज के ख़ास वजीफे के बारे में डिटेल से बताऊँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के आइकन को दबाएं ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जो इंसान चाहता हो कि वो सेहतमंद रहे, उसके चेहरे पर नूर रहे, वो किसी बीमारी का शिकार ना हो सके और हमेशा सुकून और आफियत में रहे, उसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो, तो ऐसे इंसान को चाहिए कि वो रोज़ाना बावजू होकर कसरत से ये पढ़ा करें और फिर अपने ऊपर दम कर लिया करें। सेहत और खूबसूरती हासिल करने का ये बेहद आजमूदा और मुजर्रब रूहानी अमल है। सेहत और खूबसूरती हासिल करने के लिए आपने सुभानुल कद्दूसु पढ़ना है। याद रखें कि जो इंसान चाहता है कि वो हमेशा सेहतमंद रहे, उसके चेहरे पर नूर हो और वो किसी बीमारी का शिकार ना हो, उसने रोज़ाना बावजू होकर कसरत से ये पढ़ना है सुभानुल कद्दूसु। ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, सेहत और खूबसूरती हासिल होगी। ये बेहद कामयाब रूहानी अमल है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है, वरना वजीफा असर नहीं करेगा और हस्बे तो फीक सदका भी करते रहें। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कारामत वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी का भला हो सके। अल्लाह पाक आपको इसका अजर ज़रूर देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।